सरायमीर थाना क्षेत्र के सिकरौर सहबरी गांव की मिली जानकारी के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के सिकरौर सहबरी गांव निवासिनी नाम पता कल्पनिक चंद्रकला देवी पत्नी रामचंद्र यादव ने सरायमीर थाना में शाम लगभग 7 बजे तहरीर की दिनांक 11 फरवरी 2021 समय करीब 12 बजे दिन में लड़की अशिका यादव उम्र 15 वर्ष व छोटी लड़की राखी यादव उम्र 10 वर्ष दोनों साथ ने घर में कुछ दूर अपने खेत पर जहां ससुर कांता यादव खेत में पानी भर रहे थे जहां से वापस घर पाइप लाने हेतु अंशिका यादव गांव के ही जीतू उर्फ जितेंद्र यादव पुत्र मन्नू यादव के साथ साथ मोटरसाइकिल से आ रही थी, परंतु बीच से ही जितेंद्र यादव लड़की को बहला फुसला कर कहीं भगा ले गया। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जितेंद्र यादव को थाना में लाकर पूछताछ की तो पहले रात भर पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा। सुबह बताया कि गांव के सिवान में स्थित कुआं में मार कर फेंक दिया हूं। पुलिस ने जितेंद्र यादव के निशानदेही पर ग्रामीणों की मदद से कुआं से शव को बाहर निकाल कर थाने लाकर उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। फॉरेंसिक टीम भी थाने में पहुंचकर शव को जांच किया। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि किशोर की मां के तहरीर पर आरोपी के खिलाफ बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके निशानदेही पर कुआं से शव को बरामद कर लिया गया है। मैं अनामिका सिंह, आइए आपको दिखाते हैं प्राइम न्यूज़ 24 से आजमगढ़ से असगर आजम के साथ रवि प्रजापति की रिपोर्ट। हुआ हमारी भतीजी थी वो, सुबह में 10-11 बजे हमारे चाचा का सगा लड़का था, जबरदस्ती साला लेके चला गया उसको। आपके चाचा का सगा लड़का? सगा लड़का है, अभी नाबालिग चल रहा, 13 साल की लड़की। कहाँ लेके गया था? जा रहा था खेत वेत में, कहीं लेके गया होगा, उसको बलात्कार करने चक्कर में सफलता नहीं मिल पाई साला, उसके लिए क्या खबर थी क्या बता सकते कि बलात्कार हुआ है कि नहीं? बता रहा है बलात्कार के लिए जबरदस्ती की, वो बता रहा है, लड़का बता रहा है। नीयत में हो गई थी, इतनी तेज बोले नीयत में, उसकी क्या फूटता सारा समझ में नहीं आता, बलात्कार चक्कर में 2-3 लड़कों के लेके पहले से उसकी साजिश थी, सफलता नहीं मिल पाई होगी तो उसको मार दिया। उसका क्या नाम है? जितेंद्र यादव उर्फ जीतू यादव। आप लोग किसी ने देखे थे गाड़ी से ले जाते हुए? हाँ, वहाँ भट्टे वाले 2-3 लोग देखे थे। अच्छा, वहाँ जो भट्टा चलता है भट्टे वाले बता रहे थे कि आया था एक लड़के को लिवा के गया, फिर दोबारा आया, फिर लिवा गया छोड़ के। तो बाड़ी कहाँ मिली है? बाड़ी तो मिली है मौके हालात में कुएं में फेंकी हुई। कब मिली है? मिली है बाड़ी आज सुबह लगभग 1 घंटा पहले, मान लीजिए 12 बजे। तो कहने का मतलब कि आप लोग ढूंढ रहे हैं या पुलिस? नहीं, संकेत हिसाब से वो जब बताया, हम सुबह यहाँ आए हैं एस एस साहब के यहाँ, तो वो बताया कि हम मार के वहाँ पे फेंक दिए कुएं में, तब एस एस साहब वहाँ टीम भेजे अपना, उसके बाद वहाँ छानबीन हुआ, वो नहीं पता लगा, तब वो तैराक वाले आए निकाले वहाँ से। ये एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण है। इसमें लड़की का मौसेरा चाचा, जो कि रिश्ते का लगता था, उसी गांव का था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। कल लड़की गायब हुई थी, उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। जो संशय था जिस व्यक्ति पे, जो इसका चाचा लगता है, उसे पूछताछ हेतु लाया गया था, उसकी निशानदेही पर आज लाश बरामद की गई है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी मुकदमा इसे तरमीम किया गया है 302 में, और जो भी आगे की विस्तृत कार्रवाई है इसमें की जाएगी।